दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां हिमांशु विनायक 3 वोट से जीत कर बने अतरौलिया व्यापार संगठन के अध्यक्ष। बता दें कि अतरौलिया नगर पंचायत में कुल 369 व्यापारी रजिस्टर्ड हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष पद का चुनाव रविवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक। मतदान में 360 व्यापारियों ने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया, जिसमें 170 वोट पाकर हिमांशु विनायक अध्यक्ष पद पर विजय घोषित किए गए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मनीष सोनी 167 वोट, अंकुर चौरसिया 14 वोट तथा राजकुमार सोनी सिर्फ 8 वोट पाए थे। चुनाव पर्यवेक्षक प्रवेश कुमार कशोधन ने बताया कि अध्यक्ष पद का चुनाव निर्वाचन द्वारा होता है तथा शेष पदों पर कोर कमेटी तथा अध्यक्ष की सहमति से पदाधिकारी का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अतरौलिया व्यापार मंडल का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। व्यापार मंडल के संरक्षक शगीर अहमद अंसारी ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने में अतरौलिया नगर पंचायत प्रशासन, पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा। काफ़ी सरगर्मी के बीच लगभग 98% का मतदान हुआ, जो निश्चित रूप से व्यापारियों में एक जन जागृति का कार्य करेगा। चुनाव संपन्न कराने में मुख्य रूप से पिंटू जायसवाल, अमित कुमार जायसवाल, अरविंद कुमार अग्रहरी, विक्की मदेसिया, रजत मदेसिया, नवनीत जायसवाल, राजू यादव, रिंकू मोदनवाल, गोपाल कशोधन, सुभाष कशोधन, सागर सोनी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए हिमांशु विनायकर अध्यक्ष, निकटतम प्रतिद्वंदी मनीष सोनी और संरक्षक सगीर अहमद अंसारी ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले मैं नगर पंचायत अतरौलिया की सभी व्यापारी भाइयों को धन्यवाद देता हूं, जो मुझे यह मुकाम पर पहुंचाया है, और सभी व्यापारी भाइयों से सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मतदान किया, जिसमें मुझे जीत हासिल हुई है। मैं सभी व्यापारी भाइयों का धन्यवाद हूँ और शुक्रगुजार हूँ। मैं सभी व्यापारियों भाइयों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ भी मेरा जरूरत पड़ेगा, मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लूँगा और कंधे से कंधा मिलाकर हर व्यापारी भाई के साथ चलूँगा। बहुत ही अच्छा यहाँ के जो चुनाव का मतगणना हो रहा था, बहुत ही खूबसूरती से हुआ है, बहुत ही शानदार और जब निष्पक्ष तरीके से हुआ है, जो आज बहुत ही देख के बहुत ही अच्छा लगा है। व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और अध्यक्ष सुशील, किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी है और किस तरीके से आज संपन्न हुआ, इसके बारे में कुछ। चुनाव प्रक्रिया व्यापारी वर्ग जो है, कई दिनों 6 महीना हो गए मांग कर रहा था चुनाव के लिए, तो हम लोगों ने चुनाव का डेट दिया, जो आज 1 तारीख को जो है चुनाव का डेट रखा गया था। हम लोगों ने बहुत साफ सुथरे ढंग से चुनाव करवाया है, जिसमें 4 प्रत्याशी थे, उन लोगों ने अच्छा चुनाव लड़ा, और सबसे बड़ी चीज़ है कोई तूतू मैमै कोई को कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हो गया, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक वोटिंग हुई है और 2:15 बजे से मतगणना चालू हुआ है, जिसमें 360 वोट पोल हुए थे, 14 वोट अंकुर चौरसिया, 8 वोट राजकुमार स्वर्णकार, हिमांशु विनायकर 170 वोट और मनीष सोनी 167 वोट। हिमांशु विनायकर 3 वोट से विजयी घोषित हुए हैं। यही रहा आज का चुनाव। अध्यक्ष पद का चुनाव हो गया है, आगे की रणनीति को कैसे बढ़ाया जाएगा? हम संरक्षक है, दरअसल हम संरक्षक तो हैं, लेकिन हमारी एक 25 आदमी की कोर कमेटी है, और वो जो हम लोग बैठ के कोर कमेटी में बैठ के जो फैसला होगा इसके आगे वाला, वो क्या किया जाएगा, आगे क्या करना है, उपाध्यक्ष है, महामंत्री है, क्या है, कैसे है, वो सब किया जाए। संरक्षक की आज अध्यक्ष तो चुन लिया गया है, अध्यक्ष का कार्यकाल कितने है, कितने दिनों का रहेगा? अध्यक्ष का कार्यकाल तो व्यापार मंडल में साल भर का होता है। साल भर व्यापार मंडल के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और अध्यक्ष सुशील, किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी है और किस तरीके से आज संपन्न हुआ, इसके बारे में कुछ।
चुनाव प्रक्रिया व्यापारी वर्ग जो है कई दिनों छः महीना हो गए मांग कर रहा था चुनाव के लिए तो हम लोगों ने चुनाव का डेट दिया जो आज 1 तारीख को जो है चुनाव का डेट रखा गया था। हम लोगों ने बहुत साफ सुथरे ढंग से चुनाव करवाया है जिसमें 4 प्रत्याशी थे उन लोगों ने अच्छा चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी चीज़ है कोई तूतू मैं कोई को कुछ नहीं हुआ शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हो गया हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक वोटिंग हुई है और 2:15 बजे से मतगणना चालू हुआ है जिसमें 360 वोट पोल हुए थे, 14 वोट अंकुर चौरसिया, 8 वोट राजकुमार सुरणकार, हिमांशु विनायकर 170 वोट और मनीष सोनी 167 वोट। हिमांशु विनायकर 3 वोट से विजयी घोषित हुए हैं। यही रहा आज का चुनाव। ये हम संरक्षक है, दरअसल हम संरक्षक तो हैं लेकिन हमारी एक 25 आदमी की कोर कमेटी है और वो जो हम लोग बैठ के कोर कमेटी में बैठ के जो फैसला होगा इसके आगे वाला वो क्या किया जाएगा आगे क्या करना है उपाध्यक्ष है महामंत्री है क्या है कैसे है वो सब किया जाए। संरक्षक की आज अध्यक्ष तो चुन लिया गया है, अध्यक्ष का कार्यकाल कितने दिनों का रहेगा? अध्यक्ष का कार्यकाल तो व्यापार मंडल में साल भर का होता है। साल भर आप भी अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे थे, आप सके नारे रहे हैं और बहुत निकटतम वोट से आप पीछे रह गए, 3 वोट का क्या है इसके बारे में बताइए। मैं बहुत अच्छे तरीके से फाइट किया हूँ और ये संगठन का व्यापार संगठन का जीत है, मतलब सबका साथ सबका विकास, मुझे कोई दुख नहीं है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से फाइट किया है। 3 वोट से टीटू विनायक की विजेता हुए हैं अध्यक्ष पद से, तो मुझे बहुत व्यापारियों के लिए क्या करेंगे आगे के लिए भी आपको मैं अभी आगे भी तैयारी करूंगा, आगे व्यापारियों के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, अभी भी जो जरूरत पड़ेगी मैं व्यापारियों के साथ ही रहूंगा, संगठन का साथ दूंगा।